नमस्कार, स्वागत आप सभी का सिलसिला बाजारों का। मैं हूं आपके साथ अखिलेश शाठी और सिलसिला बाजारों का में चर्चा करेंगे यहां पर कम्युनिटी बाजार के बारे में। जानेंगे कि कम्युनिटी बाजार आज कैसा ट्रेड करता नजर आ रहा है हफ्ते के पहले कारोबारी दिन सोमवार के दिन, और ये पूरा कारोबारी सप्ताह किन कम्युनिटीज में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए जिससे अच्छा मुनाफा कमा सके। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हुई हैं रूपा मेहता जी। रूपा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका मार्केट एमसीबी पर। रूपा जी, सबसे पहले यहाँ पे बात करें अगर सोने और चांदी की, तो सोने चांदी में देख रहे हैं कि नरमी देखने को मिली है फिर से। सोने चांदी का इंटरनेशनल स्पॉट मार्केट देख रहे हैं $1873 पर है, और जो सिल्वर है वो $22.2 पर। रूपा जी देख रहे हैं गोल्ड एक बार फिर से $1900 के नीचे लुढ़का है, तकरीबन $22 की गिरावट है। आपको क्या लगता है अब गोल्ड और सिल्वर में इस कारोबारी सप्ताह कैसा ट्रेंड देखने को मिल सकता है? देखिए, सोने और चांदी की कीमतें जो है वो लगातार तेजी घटने के बाद एक बार फिर से गिरावट की तरफ जाते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस समय पूरे बाजारों के अंदर दुनिया में बढ़ती महंगाई को लेकर चिंता काफी ज्यादा दिखाई दे रही है। और ऐसे में जो जितने भी सेंट्रल बैंक है वो सब ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर सकते हैं ऐसी उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते निचले स्तरों पर सोने को सपोर्ट मिल सकता है। लेकिन हाल फिलहाल में हम देख रहे हैं कि एक बार फिर से डॉलर इंडेक्स लगातार मजबूती के साथ कारोबार करता दिखाई दे रहा है और अपने 20 साल के उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुका है, जिसके चलते सोने की कीमत जो है वो नीचे आती दिखाई दी है। यानी जो सपोर्ट आना था वो कहीं ना कहीं कम होता दिखाई दे रहा है और सोने की कीमतें एक बार फिर से ऊपरी स्तरों पर लड़की नजर आई है। ऐसे में सोना नीचे में $1860 जो की लेवल जो है अहम लेवल है। पहले भी हमने देखा कि गोल्ड में गिरावट आई और वो $1860 के पास से ही वापिस से तेजी में चला गया, और अब फिर से वहीं तक के लेवल जो है वो देखने को मिल सकते हैं। नीचे में सपोर्ट 1860 पर है और ऊपर में 1920, तो फिलहाल ये रेंज बनती हुई दिखाई दे सकती है। और सोने के अगर लॉन्ग टर्म आउटलुक की बात करें तो वो अभी भी पॉजिटिव है, कोई बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद नहीं है अभी के लिए। शॉर्ट टर्म में गिरावट बड़ी बनी रह सकती है जी। यहीं से रूपा जी कच्चे तेल की बात करें, तो कच्चे तेल में देख रहे हैं कि पहले के मुकाबले कच्चे तेल में बढ़त देखने को मिली है। WTI $109 पर है और ब्रेंट क्रूड ऑयल $112 पर। रूपा जी, आपको क्या लगता है जिस हिसाब से यूरोपियन यूनियन द्वारा रशिया के ऊपर बैन लगाए जा रहे हैं, और जो यूनाइटेड किंगडम है UK है वो भी रशिया बेलारूस पर नए प्रतिबंध लागू करने जा रहा है, तो ऐसे में अब कच्चे तेल की जो सप्लाई टाइट पहले से ही है वो और टाइट होने वाली है, तो क्या इसका असर अब पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी पड़ेगा? देखिए, बिल्कुल आता हुआ दिखाई दे सकता है, लेकिन फिलहाल के लिए अगर कच्चे तेल की कीमतों में तेजी की क्या मतलब जो तेजी बनती हुई दिखाई दे रही है अगर उस पर नजर डालें, तो फिलहाल सप्लाई एक मेन जो है मुद्दा है जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दिया है। और अभी भी OPEC देशों की तरफ से प्रोडक्शन जो है वो काफी कम है, जो प्रोडक्शन तय किया गया था उससे अब इतना प्रोडक्शन अभी फिलहाल नहीं हो पा रहा है, जिसकी वजह से मांग लगातार बढ़ती जा रही है और कीमतें सपोर्ट ले रही हैं। और उधर से ईरान से भी ऑयल की सप्लाई आने में देरी देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी देखा जाए तो काफी ज्यादा जो है एनर्जी का संकट जो है वो देखने को मिल रहा है। नेचुरल गैस देखिए, नेचुरल गैस में भी लगातार तेजी देखने को मिल रही है, वो भी अपने 14 सालों के उच्चतम स्तरों पर पहुंच चुकी है। तो ओवरऑल जो ट्रेंड बनता दिखाई दे रहा है वो अभी पॉजिटिव है, और अभी डिमांड और सप्लाई का जब तक मिस मैच रहेगा तब तक कच्चा तेल जो है सपोर्ट लेता दिखाई देगा। और अभी के लिए लेवल की बात करें तो ऊपर में $112 से $120 WTI जा सकता है। वहीं ब्रेंट की बात करें तो 128 से 130 तक के स्तर ब्रेंट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो फिलहाल के लिए कच्चे तेल के अंदर खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है जी। रूपा जी, नेचुरल गैस में भी देख रहे हैं प्राइसेस आज भी तेज हैं। पहले तो हमने $9 के ऊपर जाते हुए देखा था, अब देख रहे हैं कि $8 पर ट्रेड करते नजर आ रहा है, 1.5% की बढ़त है। रूपा जी, नेचुरल गैस भी देख रहे हैं इंटरनेशनल मार्केट में लगातार तेजी की ही हो रहा है, आपको क्या लगता है नए प्रतिबंध से क्या नेचुरल गैस के दाम और ज्यादा बढ़ेंगे? देखिए, अभी तो फिलहाल जो संकट दिखाई दे रहा है उसके चलते एक्सपेक्टेड है कि अभी प्राइसेस जो है वो कंटिन्यूशन में अपसाइड में रह सकते हैं, छुटपुट गिरावट बनी रह सकती है, एक हल्की फुल्की करेक्शन आ सकती है, लेकिन ट्रेंड जो है वो अभी भी पॉजिटिव दिखाई दे रहा है और एक अच्छी रैली नेचुरल गैस में बनी है। और 600 के ऊपर हमने इसको ट्रेड करते हुए देखा है, तो अभी 600 के बाद जो है एक्सपेक्टेड है कि 640 से 607 तक ऊपर एक बार सस्टेनेबिलिटी आती है तो 700 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि करेक्शन के अंदर इसमें भी बाइंग करके चला जा सकता है जी। रूपा जी, यहीं से बेस मेटल्स में क्या लगता है आपको,
बेस मेटल्स में देख रहे हैं कि नरमी वाला रुझान है, अभी आज मिले जुले रुझान के साथ बेस मेटल्स कारोबार करते नजर आ रहे हैं। देखिए बेस मेटल में अभी ऊपरी स्तरों से मुनाफा वसूली हावी हो चुकी है और सभी बेस मेटल अभी करेक्शन में आते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन वही लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी इनका भी पॉजिटिव है। अभी जैसा कि कॉपर हम एक्सपेक्ट करें कि नीचे से 740 तक एक बार लुढ़क सकता है और 740 के आसपास एक बार सपोर्ट आता हुआ दिखाई देगा मार्केट के अंदर, लेकिन फिलहाल के लिए नीचे में 440 तक के स्तर देखने को मिल सकते हैं। वहीं अगर जिंक की बात करें तो जिंक भी ऊपरी स्तरों से लुढ़क चुका है, अब 320 के आसपास, 320 से 318 के आसपास सपोर्ट ले सकता है और ऊपर में 340 और नीचे में अगर 318 के नीचे लुढ़कता है तो आपको 300 तक के भी स्तर देखने को मिल सकते हैं। यानी अभी करेक्शन में है मार्केट, अभी के लिए फिलहाल इन स्तरों पर बाइंग रिस्की है, लेकिन लॉन्ग टर्म आउटलुक अभी भी पॉजिटिव है। जी रूपा जी, हफ्ते के पहले कारोबारी दिन कम्युनिटी बाजार में नॉन एग्री कम्युनिटीज में आप टॉपिक्स क्या देना चाहेंगी? देखिए अभी तो फिलहाल एनर्जी अच्छा लग रहा है, यहाँ पर फूड और नेचुरल गैस ये दोनों ही कमोडिटीज में खरीदारी की तरफ रहा जा सकता है। ये वाला हफ्ता हो सकता है कि कच्चे तेल के अंदर और तेजी वाला बना रहे और कच्चे तेल में एक नया स्तर देखने को मिले, तो मुझे लगता है कि कच्चे तेल में बाइंग की तरफ रहा जा सकता है। जी तो ये तो बात करी थी हमने यहाँ पे नॉन एग्री कम्युनिटीज की। फिलहाल सिलसिला बाजारों का मैं अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन आप कहीं जाएगा नहीं क्योंकि मुनाफे की खबरों का सिलसिला लगातार ही बना रहेगा मार्केट एमसीवी पर।